बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिन स्पोर्ट और तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद कहते हैं क्रिकेट कैफे में। बात करेंगे आज श्रीलंका और श्रीलंका इंग्लैंड के बारे में। श्रीलंका ने जो है कितना आसान मैच जो है कितना हार्ड बना दिया था यार, आज बहुत ज्यादा हार्ड बना दिया श्रीलंका ने। मतलब के शुरू हुआ ना 6 ओवर में 70 रन, मैं तो समझा 10 ओवर में हो जाएगा ये 12। मुझे भी यही लगा था क्योंकि आधे स्कोर तो इंग्लैंड की टीम बना चुकी थी और फिर जो मजाक हुआ हमारे साथ हमें हमारी दिल की धड़कने रुक गई थी। हमने बोला ऑस्ट्रेलिया दोबारा ना उठा ले ये ट्रॉफी, हम तो दुआ कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, दुआ ही कर रहे थे कि लेके जाएंगे वर्ल्ड कप। हाँ जाएंगे क्या घर में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जब सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है तो समझ जाओ आप उनके हाथ में है, ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया की है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक फाइनल हारी है वो भी इंग्लैंड से, याद करो T20 वर्ल्ड कप। लेकिन नो डाउट श्रीलंका की हमें तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि जिस तरह उन्होंने पहले 10 ओवर के अंदर बैटिंग करी है, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करी है, उसके बाद अगले 10 ओवर में जो है इंग्लैंड ने बॉलिंग अच्छी करी तो उनका स्कोर 141 पे रोक दिया। उसके बाद जब इंग्लैंड ने बैटिंग स्टार्ट करी जिस तरह हमने बताया 6 ओवर में ही 70 रन बनाए, उसके बाद बचा ही क्या उसके बाद हुआ क्या ही है, एलेक्स हेल जो है अच्छे रन बना कर गए, 70 बॉल में 55 रन चाहिए उसके बाद भी इतना बता दिया। एलेक्स हेल जो है 47 रन उन्होंने बनाए और जोस बटलर जो है वो ज्यादा रन नहीं बना सके। उसके बाद जो है बेन स्टोक्स ने मैच को संभाल लिया, वरना ऐसा लग रहा था आज बकरा हलाल हो गया है। जिस तरीके से आउट हो रहे थे ना लोग एंड में, मुझे लगा गया मैच इनके यहां से। मैंने बोला ये जिम्बाब्वे वाला वो सीन ना हो जाए, पाकिस्तान की रूह। लेकिन इंग्लैंड में, लेकिन इंग्लैंड का जो है एक पांव टूट गया था लेकिन दूसरे पांव पे चल चल के इंग्लैंड ने ये जो है बेन स्टोक्स को देखा जाए वो एंड के रन निकाल देता है हमेशा, एंड के रन बिल्कुल उन्होंने निकाल लिए और ये इंग्लैंड मैच जीत चुके हैं और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जो है क्वालिफाई कर चुके हैं वर्ल्ड कप के लिए सेमीफाइनल्स के लिए। और ग्रुप वन जो है, ग्रुप वन में अभी मजाक बहुत तेजी से जारी है। ये मजाक का जो कल जो है रिजल्ट कल आएगा कि कल यार कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई करती हैं, आपको क्या लगता है आप बताएं यार मैं क्या अबे मतलब देखा जाए श्रीलंका वो क्या बोलते हैं अफ्रीका नेदरलैंड क्या मुकाबला इनके बीच, कोई मुकाबला ही नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया जिम्बाब्वे, इंडिया जिम्बाब्वे चलो जिम्बाब्वे का फिर भी बोल सकते हैं कि अपसेट कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश भी हल्की टीम नहीं है, बहुत टफ टाइम दिया है अभी लास्ट। पाकिस्तान को सिर्फ मैच जीतना है भाई, पाकिस्तान को सिर्फ मैच जीतना है और अफ्रीका को दुआएं करनी है कि हमारे मैच में बारिश हो जाए फिर हमारा चांस बनेगा, वरना पहले राउंड में ही बाहर हो जाएगी, वरना तो फिर क्या बोलते हैं सिडनी टू डायरेक्ट। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी इज्जत रख ली गई अफ्रीका के मैच में, उससे पहले नेदरलैंड को हमने बहुत मुश्किलों से मैच हराया, जीत लेते सुकून से जीते हम लोग। मुश्किल यानी कि 4 विकेटे 5 विकेटे गिर गई थी, ये कौन सा सुकून है भाई, 92 रन चेस करने थे सिर्फ और सिर्फ, रिजवान खड़ा होता ना। लेकिन इंडिया की टीम से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, रिजवान खड़ा हो ना दिल पे हाथ रख लिया करो आलिस पे, ओए रिजवान ना आलिस वाले करवा देते। रिजवान ऐसा प्लेयर है जो 50 रन बनाता है, भले वो 60 बॉल पे बना, भले 50 बना बनाता जरूर है, टेस्ट मैच खेलता है लेकिन बनाएगा। और विराट कोहली ऐसे भाई वो टीम के ऐसे खिलाड़ी हैं वर्ल्ड के जो अंपायरिंग भी खुद कर लेते हैं, नो बॉल भी दे देते हैं, वाइड भी दे देते हैं, सब कुछ खुद कर लेते हैं भाई, और अंपायर जो है वो आंखें बंद करके, हाँ आंखें बंद करके खड़े हुए होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि नो बॉल है या क्या है। लेकिन नो डाउट टीम इंडिया जो है अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज ये मैच जीत रही है, उस तरीके से नहीं जीत रही है एक जो प्रोफेशनल बड़ी टीम जीती है ये मैच। जैसे न्यूजीलैंड की बात करें उनका प्लस आज का भी मुकाबला हुआ है, बड़ा टफ हुआ है, श्रीलंका का कोई चांस ही था लेकिन श्रीलंका फिर भी जान मार रही थी। ऑस्ट्रेलिया के बीच मुझे थोड़ी अजीब सी लगी क्योंकि वन साइड नहीं टू साइडेड ही मैच हो रहे हैं और बड़ी टीम्स पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, वो आसानी से जीत नहीं पा रहे। ऑस्ट्रेलिया में बारिशें भी हो रही, इवेंट का मजा वैसे जो है मजा थोड़ा किरकिरा हो गया लेकिन ज्यादा देखा जाए ग्रुप में अच्छे आए भाई, दोनों सेमीफाइनलिस्ट अच्छे आए, अब देखें ग्रुप वन में क्या होता है। अच्छा और ग्रुप वन की जो 4 टीमें हैं वो क्वालिफाई कर चुकी हैं, अपने घर 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 के लिए रवाना हो चुकी है, उन्होंने घर के लिए क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाई टू मतलब क्या बोलते हैं
एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नहीं ऑस्ट्रेलिया तो बस में जाएगी ना। हाँ ऑस्ट्रेलिया जाएगी का, बराबर में तो घर है, बराबर में घर है इनका, दो गली छोड़ के अपनी अपनी गाड़ी है, वो तो पैदल भी निकल जाते हैं, उनका मसला थोड़ी है। बाकी सामान तो वो उनके उसका है ना, बोर्ड का सामान थोड़ी लेके जाएंगे घर पे। इसके अलावा अगर बात करें तो उसमें मामला जो है बहुत ज्यादा संगीन है। अभी तक एक भी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया है, बल्कि एक टीम एलिमिनेट हो गई है, नेदरलैंड। ग्रुप वन की जबकि दो टीमें, दोनों टीमों ने पहले ग्रुप में क्वालिफाई कर चुके हैं। क्या है नेदरलैंड का अफ्रीका से, क्या लगता है? बस यही लग रहा है कि बस अगर अगर अफ्रीका आंखें बंद करके खेले तो नेदरलैंड जीत सकती है, वरना और कोई चांस है नहीं। बस यही नहीं चांस, एक चांस और है अगर जिम्बाब्वे जैसे खेल ले तो। जिम्बाब्वे इंडिया नहीं जीतने देगी। अच्छा इंडिया, इंडिया का इतना बड़ा दिल नहीं है कि वो खुद हार जाए हमें हमें आगे लाने के लिए। हार भी सकती है भाई, अपसेट तो हो सकती है। नहीं हमें बाहर निकालने के लिए हारती है ना, जैसे अफ्रीका से हारी, हमें अंदर लाने के लिए कभी भी नहीं आ रही है। वो तो भला हो कायदे आजम का जो उन्होंने आजादी दिलवा दी, वरना हम आज तक वही के वही होते, आगे नहीं निकल पाते जिंदगी में। अल्लाह का शुक्र है। और बात करते हैं आगे मैचेस के बारे में, बात करने आप थोड़ा सा बताइएगा कि आज जो है श्रीलंका की बैटिंग आपको किस तरीके की लगी है? श्रीलंका की बैटिंग तो फ्लॉप है, श्रीलंका की बैटिंग इतनी खास नहीं है, सिर्फ दो से तीन बैट्समैन। स्टार्ट बहुत अच्छा किया था श्रीलंका ने, और कौशल मेंडस है, उन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा किया, फिर उसके बाद जो उनकी लाइन लगी, फिर क्या रजपक्सा है इनका, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, उन्होंने थोड़ी बारी अच्छी खेल ली तो 140 तक पहुंच गया श्रीलंका। बस अल्लाह, एक बात देखी है, बॉलिंग बहुत अच्छी करती है, वो आखिरी बॉल तक जान मारते हैं। मैंने ये चीज देखा है, वो जो राणा टुंगा हो गया इनका, जो शुरुआत से इन्होंने बॉलिंग शुरू की, चमिंदा वास हो गया, मुरलीधरन हो गया, जितने भी इनके गए इन्होंने अच्छा करा, लेकिन अब जो है ना, अब जब 4-5 सालों से श्रीलंका की बैटिंग खत्म हो गई, बॉलिंग अच्छी है। श्रीलंका की टीम मुझे जय सूर्या और कुमार संगकारा 16 तक उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छी लगती थी। 14 तक। और पाकिस्तान की टीम तो सरफराज अहमद की कप्तानी में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी यार, बहुत अच्छी टीम थी। और इंडिया की बात करें तो एमएस धोनी के टाइम पे बहुत अच्छी टीम थी, अभी बहुत ज्यादा लड़खड़ा रही है टीम ना, उस मयार पे खेल रही है। अभी आप देख सकते हैं विराट कोहली का भी करियर अभी कितना 2-3 साल का रह गया, रोहित शर्मा का भी इतना ही रह गया, बचा कौन आगे, हार्दिक पांड्या ही है बस, 35-35 साल के तो खिलाड़ी है, कार्तिक भी निकल जाएगा अभी, उसके बाद जो नए प्लेयर आएंगे उनका क्या रोल होगा अब ये देखना है। लेकिन पाकिस्तान को जो है एक सितारा मिल गया मोहम्मद आरिफ, में हम चाहते हैं कि वो अभी सर में नहीं चढ़ाओ, अभी इनको देखने दो, आगे देखो आगे क्या करते हैं, अभी एक मैच में 2-3 छक्के मार दिए तो हम सर पे नहीं चढ़ा सकते भाई। वो आसिफ अली वाले साहब, आसिफ अली वाला, लॉर्ड आसिफ उसे थोड़ी बोलते हैं, लॉर्ड उसे बोलते हैं जो हर मैच में खेले, हर भले हर मैच में ना खेले, 4-5 मैचों में सच्चा हो सकते हैं, इफ्तिखार अहमद को पूरे आज एक मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं चला, बाकी हर मैच में चला भाई। लेकिन इफ्तिखार अहमद का ये हिसाब किताब है, जब जरूरत पड़ती है तो साथ जरूर देते हैं वो, ऐसा नहीं है कि बिला वजह के रन किए और निकल लिए, नहीं, जब अशद जरूरत टीम को पड़ती है। अभी जो देखा जाए ना रिसेंटली, ये लोग जो क्रिकेट खेल रहे हैं, शादाब और क्या बोलते हैं इफ्तिखार, इन दोनों, ये दोनों से खेल रहे भी क्रिकेट, अब देखते हैं कल क्या होता है, कल दुआ करें आपके पाकिस्तान टीम के लिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे इसी शो में, इसी स्टूडियो में। खुदा हाफिज़।